दोस्तों, हम आज को अपना ही फ़ोटो आपको एडिट कर कर दिखाएंगे, जो कि मैं कोटजी किला के अंदर फ़ोटो शूट कर कर आया था, अपना ही फ़ोटो। उसको आपको शूट करके, अपना फ़ोटो एडिट करके आपको दिखाएंगे, और उसी को फिर हम अपने जो है ना चैनल के मतलब आईडी पर उसको रखना है प्रोफाइल पर। चलिए दोस्तों, फ़ोटो को एडिट करते हैं। ये फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया दोस्तों। कंट्रोल और शॉर्टकट की प्रेस करके जहाँ पे ड्राइव पर अपने फ़ोटो सेव करे हुए हैं वहाँ से आप उठाएंगे, लेकिन मैंने उठाए अपने सेव किया इसको सक्कर फ्रेंड्स का मतलब ये दोस्तों, ये कोटजी किले के अंदर में ये फ़ोटो शूट किया था। ये देखें, अब फ़ोटो सिलेक्शन करते हैं। ये फ़ोटो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त रहेगा उसके लिए, इसको हम एडिट करके दिखाते हैं आपको। फ़ोटोशॉप में खोल लिया, इसका साइज़ बनाया, इसका साइज सेलेक्ट करना है हमने 7x5 में, क्रॉप टूल जिसकी शॉर्टकट की है सी, प्रेस करने के बाद इसका हम साइज बना रहे हैं दोस्तों। ये साइज़ बना लिया हमने, फ़ोटो को बड़ा किया, अप्लाई इमेज दिया इसको, डाइनिंग में आकर स्क्रीन करना है और ओपेसिटी रखनी है 30, ठीक है। कंट्रोल एम मार के कर्व देना, हल्का सा लाइट करना, इसको ओके कर देके ब्राइटनेस में बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ब्राइटनेस देना, जिसकी शॉर्टकट की अल्टर आई एस सी, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ऊपर ब्राइटनेस में 2 रखे, नीचे 10 रखा, इसको ओके कर दिया। अब हमें इसको मारनी है शार्पनेस, जिसकी शॉर्टकट की है अल्टर टी एस, ये आ गई शार्पनेस। कंट्रोल एफ मार्क दोबारा शार्पनेस दे दी दोस्तों। अब ये देखिए शार्पनेस लग गई, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। अब इस थोड़ा शार्पनेस को कम करने के लिए फीदर देना है, फेड मारना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ फेड मारना है हमें यहाँ पर 50, ओके कर दिया। इसको अब सेव कर लेते दोस्तों, आखिर के 3 नंबर सेव करते 070, ये ओके। क्वालिटी इसकी हमेशा 12 रखनी है, ओके। ये दोस्तों आ गए, कंट्रोल एल किया, थोड़ा लेवल डार्कनेस में लेकर आ गए, ठीक है दोस्त। कंट्रोल एस मारा, अब हम इसको फिनिशिंग करते हैं दोस्तों। फिनिशिंग हम इसको करते हैं जिसकी शॉर्टकट की है एस, येलो टूल है, क्लोन स्टेम टूल जिसकी शॉर्टकट की है एस, ठीक है। इसकी ओपेसिटी रखी यहाँ पर 20 और उसका फ्लो रखा 100 पर, ठीक है दोस्तों। अभी इसको फिनिशिंग करते हैं आपके सामने। हीलिंग टूल एक उठाए, ये हमें जो दाग ना जितने भी चेहरे पर उनको ख़त्म करने के लिए हीलिंग टूल इस्तेमाल करते हैं, हीलिंग टूल हमसे दाग ख़त्म कर दे, ये टूल है हीलिंग टूल। ये पहले इसके दाग दबे ख़त्म करते हैं दोस्तों, उसके बाद अब एस टूल मतलब उठाना हमने स्टम टूल, फिनिशिंग करते हैं इसकी। ये देखें दोस्तों, ये माथा क्लीन हो गया है आपके सामने। अब गाल को जरा क्लीन करना है, ये देखें गाल भी क्लीन हो गया दोस्तों। नाक पर फिनिशिंग करते हैं इसकी, इस फोटो को अपनी प्रोफाइल पर लगाएंगे, फेसबुक की प्रोफाइल पर, अपने चैनल की प्रोफाइल पर, उसी के लिए आपको एडिट करके दिखा रहे हैं। हो गया दोस्तों, फिनिशिंग इसकी हो चुकी है, इसको मैं सेव कर दिया। इसमें ज़रा से इसको इफेक्ट मतलब देते हैं इसके ऊपर ना,
ये दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एन मतलब प्रेस किया हमने, न्यू लेयर बनाई, इसको ओके कर दिया। यहाँ पर हमने ब्रश टूल उठाना जिसकी शॉर्टकट की बी है, इसकी ओपेसिटी हमने 100 रखनी है। ये देखें खाली एक लेयर बन गई है। हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कलर अपना, जो भी हम उसको इफेक्ट देना है, सिलेक्ट किया इसको, एक क्लिक किया, ठीक है दोस्तों। अब इसको चैनल में आके ये इसको हम कलर्स दे रहे हैं इफेक्ट्स में, जो भी आपको उसमें बेहतर लगे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, और मज़ीद इसको एडिटिंग हम करते हैं इस पर। लाइटनेस ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन ये कि अभी इसकी जो हमने ओपेसिटी रखनी है ना वो करनी है थोड़ी कम। मज़ीद रेज़र टूल उठाना है, यहाँ से साइड से इसको ख़त्म कर देना है, ओपेसिटी रखनी है 20, साइड से सफ़ेद को ख़त्म करना है। लेंस फेल्ड इसको मतलब मार देते हैं हम।